Hello friends, welcome back to my channel Alish Beauty. Today I am going to share a review of L.A.Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer. So without wasting your time, let's get started. Friends, I have these three concealers. The first one is yellow corrector GC991. Second one is a green corrector GC992, and the third shade is warm honey GC982. फ्रेंड्स एले गर्ल कंसीलर के 36 शेड आ चुके हैं मार्केट में, जिनमें कुछ करेक्टर्स हैं और कुछ कंसीलर हैं, कुछ एज ए हाईलाइटर और कंटोरिंग यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। ये एक ट्यूब पैकेजिंग में आते हैं विद ए ब्लैक कैप ऑन द टॉप एंड इट हैज ए ब्रश एप्लीकेटर, ये आप देख सकते हैं। और इस ट्यूब के टिप पर ब्रश एप्लीकेटर है, जिससे कंसीलर अप्लाई करने में बहुत आसानी होती है। और जब जब हम इस ट्यूब को प्रेस करते हैं, ये देखिए, जब हम इस ट्यूब को प्रेस करते हैं तो ब्रश में से प्रोडक्ट बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो फ्रंट पैकेजिंग तो काफी अच्छी है, इट इज वेरी ट्रेवल फ्रेंडली एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज। अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो 625 में मिलता है ये। 8 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और नॉर्मल टू ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है ये। फ्रेंड्स इसका टेक्सचर क्रीमी सा है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है फेस पर, और लॉन्ग वेयरिंग फॉर्मूला है और नेचुरल लुकिंग कवरेज देता है। ये कंसीलर जहाँ भी फेस पर डार्कनेस हो या डार्क स्पॉट होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, पिगमेंटेशन या ब्लैमिशेस, जहाँ भी जो भी स्किन पर इम्परफेक्शंस होती है उनको हाइड करने के काम आता है और एक नेचुरल लुक देता है। और क्रीजेस तो बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसे कि और अदर कंसीलर प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स जब भी आप कंसीलर का यूज करें तो उसे लूज पाउडर से सेट जरूर कर लिया करें, बिल्कुल भी क्रीजेस नहीं आएंगी फिर। फ्रेंड्स मैं आपको इसके अब शेड दिखा देती हूँ। ये है येल्लो करेक्टर, ये यूज होता है मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए और फेस पर जहाँ भी डार्कनेस है या डलनेस है, डार्क सर्कल्स जो होते हैं उनको ब्राइटन करने के काम आता है, विच इज कॉज्ड बाय ब्लू अंडरटोन। ये मैं इसका स्वेचेस आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा, ये इस तरह से दिखता है और एक क्रीमी सा टेक्सचर है। एंड ये है ग्रीन करेक्टर, ये फेस पर जहाँ भी रेडनेस होती है या एक्ने पिंपल्स के मार्क्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, और ये भी मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए है। और ये इसका देखिए स्वेचेस मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह से दिखता है। एंड थर्ड इज वार्म हनी, ये मीडियम स्किन और डार्क स्किन विद वार्म अंडरटोन के लिए है, और मैं तो इसे कंटोरिंग के लिए यूज करती हूँ इसलिए मैंने इसे बाय किया है। ये देखिए अब मैं इसका स्वेच आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से दिखता है, ये देखिएगा। फ्रेंड्स इनकी एप्लीकेशंस की बात करूँ तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं ये और 5 to 6 आवर इजीली स्टे कर जाते हैं। फ्रेंड्स आप इन करेक्टर को अपने फेस पर मेकअप लगाने से पहले और प्राइमर लगाने के बाद अप्लाई करें, जहाँ भी आपके फेस पर इम्परफेक्शंस हो, जैसे कि डार्क सर्कल्स हैं और डार्कनेस है या कोई भी डार्क स्पॉट है, तो वहाँ पर आप ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करें। और अगर रेडनेस है या कोई पिंपल वगैरह का एक्ने मार्क्स है तो वहाँ पर आप ग्रीन करेक्टर अप्लाई करें, और उसके बाद कंसीलर अपना अप्लाई करें, और उसके बाद अपना फाउंडेशन अप्लाई करें, तो बहुत अच्छा नेचुरल लुक आता है। फ्रेंड्स दीज आर बेस्ट कंसीलर एंड करेक्टर्स दैट आई हैव एवर यूज। तो आप फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई करिएगा इफ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड कंसीलर और करेक्टर विद अफोर्डेबल प्राइस। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय, टिल देन।